इवन सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डबल ए तथा एमडब्ल्यू को लेकर के परेशान हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके भी रिजल्ट के किसी सब्जेक्ट में डबल ए या एमडब्ल्यू शो हो रहा है, उसका रीजन क्या है और उसका निराकरण कैसे होगा, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है डियर स्टूडेंट्स आपके रिजल्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप लकी हैं, आपके लिए ये बेहतर हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस समस्या से परेशान हैं और उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डबल ए का क्या मतलब है और एमडब्ल्यू का क्या मतलब है और इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डबल ए क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके रिजल्ट के किसी सब्जेक्ट में डबल ए शो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उस सब्जेक्ट में आपको एब्सेंट दिखाया गया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप उस सब्जेक्ट में सही में एब्सेंट थे। अगर उस सब्जेक्ट में आप सही में एब्सेंट थे, आप किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए थे, तब तो वो हटने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि आप एब्सेंट थे और एब्सेंट वहां शो हो रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो उस सब्जेक्ट में एब्सेंट नहीं थे, फिर भी डबल ए लिख करके आया है, अर्थात उन्हें एब्सेंट दिखाया जा रहा है। इस सिचुएशन में उसका निराकरण कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स? इस सिचुएशन में बोर्ड और कॉलेज के लेवल पर उसका वेरिफिकेशन होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस सीट पर आपका सिग्नेचर किया जाता है और अलग अलग जगह पर साइन कराया जाता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे और अगर ये पाया जाएगा कि हाँ आपने पेपर दिया है, तो कॉपी इधर उधर कहीं हो गई होगी, उसको देखते हुए आपका डबल ए सही हो जाएगा, वहां पर मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको करना क्या, अपने कॉलेज से एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना है, उनको ये बता देना है कि मेरे सामने ये समस्या आ रही है, क्योंकि कॉलेज को पता होगा तभी उस पर उचित कार्यवाही हो पाएगी। अगली बात हम करते हैं एमडब्ल्यू की। अगर आपके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में एमडब्ल्यू हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? एमडब्ल्यू का मतलब है मार्क्स वेटिंग, मींस आपके जो मार्क्स है वो वेटिंग है। अब आपके मार्क्स को वेटिंग में क्यों रखा गया है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कॉपी में कोई समस्या दिखी हो, कोई संदिग्ध दिखा हो, या हो सकता है आपका रोल नंबर वगैरह मिसमैच हुआ हो, या कहीं कोई समस्या उनको दिखी होगी जिसके कारण आपके मार्क्स को उन्होंने वेटिंग में रखा है और आपके मार्क्स को मार्कशीट पर प्रिंट नहीं करा गया है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, बोर्ड और आपके कॉलेज के लेवल पर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में जब सब कुछ ठीक पाया जाएगा तो आपका एमडब्ल्यू वहां से हट जाएगा और आपके मार्क्स वहां पर अपडेट हो जाएंगे। अब आपको इस सिचुएशन में करना क्या है, ज्यादातर सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो एमडब्ल्यू और डबल ए का केस होता है वो अपने आप हट जाता है, कुछ समय बाद वहां पर जो बोर्ड है वो वर्क करता है और ये सारी समस्याएं वहां से समाप्त तो हो जाती हैं। लेकिन मेरी आप सभी लोगों को एडवाइस है कि आप सभी लोग अगर ऐसी समस्या आपके सामने है तो आप अपने कॉलेज से एक बार जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिए और जरूरत पड़ने पर उनको मार्कशीट की एक फोटोकॉपी के एप्लीकेशन के साथ लिख करके दे दीजिए कि सर हम सारे सब्जेक्ट में प्रेजेंट थे और मेरे इस सब्जेक्ट में एमडब्ल्यू या डबल ए शो हो रहा है। उस सिचुएशन में कॉलेज को जानकारी होगी और कॉलेज के पास कोई नोटिस कोई नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से आएगा तो वो उसकी पुष्टि करेंगे और आपका जो ये प्रॉब्लम है जो आपके रिजल्ट में उसका समाधान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है डबल ए और एमडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ जानकारी और किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आती है, मैं जो भी बताता हूँ आपको लगता है कि ईमानदारी से बताता हूँ, कुछ इधर उधर नहीं करता हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।